हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का लेक्चर। वेन डायग्राम आज स्टार्ट करना है। काफी स्टूडेंट नाराज हो चुके हैं कि सर आपकी क्लास नहीं आ रही है, स्पीड अप वाले स्लो अप हो गए हैं, स्पीड अप का नाम आप स्लो अप रख देना चाहिए, और मैथ की क्लास नहीं चल रही है और रीजनिंग की क्लासेस नहीं हो रही, जीएस नहीं हो रही, एंड जीए की क्लास आपको लास्ट टू डे से मिल रही है, राइट? तो आज आपको केमिस्ट्री की क्लास मिल चुकी होगी 8 बजे से क्लास सर के थ्रू। जो क्लास सर भी वापसी आ गए हैं, आप लोगों ने होली मना ली है, जितना होना था आप लोगों का सर होली मना रहे हैं स्पीडअप वाले। एक्चुअली एक कैजुअलिटी हो गई थी हम लोगों के साथ, एक हमारी फैकल्टी है जिनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इनके घर पे कोई दिक्कत हो गया था, एक वो भी कॉज है किसी सब्जेक्ट का ना पाने की वजह से। और राहुल सर आपको पता है वो किसी अपने कॉलेज में बिजी रह रहे थे, मेरा अनअकैडमी से बिजी शेड्यूल चल रहा था और भी थोड़े से काम थे, ठीक है। राइट नाउ वी आर फ्री हो चुके हैं हम सभी लोग, और आपको पता है एग्जाम की डेट भी लगभग आ चुकी है, अप्रैल के लास्ट में या मई के 15 तारीख से पहले आपका एग्जाम आरबी जी के होने के चांसेस हैं, राइट? तो ये सारी बातें हो गई हैं, और आपके बीच में गौरव सर भी हैं। आज गौरव सर मैथमेटिक्स का लेक्चर लेते हैं आपको, वो अप्रैल के बाद जब आपको जब जरूरत पड़ेगी, आपको क्या लगता है मैथ में कोई सेक्शन वीक रह रहा है, या कोई आपको लगता है कि सर ये वाले सेक्शन में कोई एक्सपर्ट फैकल्टी लेकर आइए, तो हम आपके बीच में गौरव सर को भी लेकर आएंगे, राइट? गौरव सर को बात बहुत बार हुई है लेकिन आपको मिलवाया नहीं है, बहुत जल्दी मिलवाएंगे गौरव सर से, अभी इसमें बाहर है, जल्दी मिलवाएंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करना है वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम, राइट? वेन डायग्राम क्या होता है? एक्चुअली वेन आरेख बोलते हैं। वेन डायग्राम के बारे में बताते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग बताएं, मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूं, आप लोगों ने कई बार देखा हुआ अनअकैडमी लोग पढ़ते भी मुझसे, मेरे ऑफलाइन लेसन को भी देखते हैं। अब मैं अनअकैडमी पे ऑफलाइन लेसन के साथ साथ लाइव लेसन भी लेता हूँ। क्या लेता हूँ? लाइव लेसन। वहां पर मैं दो चीज अभी ले रहा हूँ, परसेंटेज ले रहा हूँ, परसेंटेज, और प्रॉफिट एंड लॉस लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट क्लासेस में लेता हूँ। इसकी टाइमिंग होती है 6 से 7:30 और इसकी होती है 8 से 9:30, राइट? आज हमारी इसकी क्लास नहीं थी तो आज मैं आपके सामने लाइव हूँ और ये क्लासेस चल रही है, लेकिन आप लोग बेफिक्र रहिए, ये क्लास हमारी इंटरप्ट नहीं करेगी, इसकी मैं टाइम हटा दूंगा, चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पज है आरआरबी जेई, जो हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्पीड ऑफ फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, मेरा मेन मोटिव है उनको लेके आगे चल रहा है, राइट? तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ में, जिसका मैथ का कोई भी सेक्शन वीक है, जो फील करता है कुछ का ज्योमेट्री वीक है, किसी का नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा एडवांस कोई भी वीक है, तो वो पर्सनली मुझसे पढ़ सकता है और मैं वहां पे भी पर्सनली पढ़ाता हूँ, और ये मेरा चैनल है, यहाँ पे तो हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, राइट? और यहाँ पे तो अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको वहाँ डाइवर्ट कर रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि आपके ऊपर अनअकैडमिक टी शर्ट अच्छी नहीं लगती, आप स्पीड ऑफ एकेडमिक स्पीड ऑफ एजुकेशन टी शर्ट पहना करिए, तो ये कुछ कंडीशन होती है पहनने का, शौक नहीं होता है पहनने का दोस्तों, तो ये सारे तरीके हो गए। अब आप इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे एक रेफरल कोड होता है, आपको rajat.speedup के नाम से एक रेफरल कोड होगा, जब आप परचेज करने जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे प्लस कोर्स पे, गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे, वहां पे रेफरल कोड पे डालेंगे rajat.speedup, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। उस पर 10% का डिस्काउंट होता है, लेकिन मैं आपको एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, बिकॉज आप हमारे स्टूडेंट हो, जितने भी स्पीड अप एजुकेशन फैमिली के स्टूडेंट हैं उनको एक बहुत बड़ा एडिशनल डिस्काउंट है। वो कब मिलेगा? जब आप इसको रेफरल परचेज कर लेंगे, मेरे पास मेल आ जाएगा, मैं आपको पर्सनली वो ऑफर दूंगा। ये अनाउंसमेंट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है कि कितना ऑफर मैं दूंगा, लेकिन इतना दूंगा कि आपको ये क्लास लगभग फ्री लगेगी, लगभग ये फ्री आपको लगेगा कि मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो बात खत्म करते हैं, अब बात करते हैं अपना स्पीड अप की, बात करते हैं वेन डायग्राम की, क्लासेस स्टार्ट करते हैं, राइट? तो वेन डायग्राम में क्या होता है, हमें चार चीजें देखनी होती है, एक होता है हमारा ऑल, एक होता है सम, एक होता है नो, और एक होता है सम नॉट। ऑल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है कुछ, और सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, और नो का मतलब होता है कोई नहीं। क्लियर है, राइट फ्रेंड्स? तो ऑल का मतलब होता है सम, जैसे बोलते हैं ना ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, जैसे लिखा हुआ एप्पल और फ्रूट्स, तो जितने भी एप्पल होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं। क्लियर है? जैसे यहां पे कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, यहां लिखा हुआ एप्पल फ्रूट्स, क्लियर है? विद द वुमेन सिस्टर ब्रोस, याद रहा ब्रोस, सिस डैड्स मॉम्स, ब्रोस क्या हो गए, ब्रोस हो गए मैन, सॉरी ह्यूमन मैन, क्लियर? ऐसे जैसे फर्नीचर, खोलो हवा जी, फर्नीचर हो गया चेयर, मान लीजिए, क्लियर है? फर्नीचर हो गई चेयर। तो देखिए ऑल का रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना, हम ऑल का फिगर कैसे बनाते हैं, ऑल के फिगर को बनाने के लिए ऑल को कैसे समझेंगे,
देखिए जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें बहुत इजी होता है, इसमें समझना, इसे क्वेश्चन समझना बहुत इजी होता है, राइट। एक सेकंड दोस्तों, कुछ दिक्कत कर रहा है। तो इसको समझना बहुत इजी होता है। क्या होता है और के केस में, देखिए और क्या होता है, एक बार लेफ्ट से राइट समझना होगा और एक बार राइट से लेफ्ट समझना होगा कि ऑल एप्पल आर फ्रूट्स या ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, या ऑल वुमेन आर सिस्टर या ऑल सिस्टर्स आर वुमेन, या ऑल ब्रोस आर मैन या ऑल मैन आर ब्रोस। देखिए सभी भाई आदमी तो होते हैं लेकिन सभी आदमी भाई हो ये होना जरूरी है। ऐसे ही सभी सभी फर्नीचर टेबल होते हैं, ये बात है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन सभी चेयर जो है वो हमारे फर्नीचर में आते हैं, राइट। तो ये हो गया केस हमारा फर्नीचर और टेबल का, राइट। ये बात हमने दोस्तों कर ली, ये बात थी आवल की। तो और भी जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है अभी डिस्कस करते हैं, बस एक सेकेंड। देखिए ऑल का मतलब ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, तो एप्पल ये रहा और ये फ्रूट्स, क्लियर। ऑल का डायग्राम कैसे बनता है, बोलते हैं ऑल ए इज बी, बोलते हैं ऑल ए इज बी, तो ए यहाँ है ऑल ए इज बी। ऑल का डायग्राम जब भी बनेगा वो कैसे बनेगा, क्लियर है बात यहां तक। अब बात करते हैं सम की, सम का रिलेशन। देखिए यहां पर एक बात समझी, ऑल एप्पल आर तो फ्रूट था पर ऑल फ्रूट्स आर एप्पल नहीं था, क्योंकि जो सभी सेब है वो फल है पर सभी फल सेब नहीं हो सकते। ऐसे ऑल वुमेन आर सिस्टर, ऑल वुमेन आर सिस्टर ये कहना सही नहीं होगा, बट ऑल सिस्टर क्या होती है, जितनी भी बहन होगी वो महिलाएं होंगी। ऑल ब्रोस आर मैन, क्लियर बात है, लेकिन ऑल मैन आर ब्रो ये बात भी कहना बिल्कुल सही नहीं है। ऑल फर्नीचर आर चेयर ये नहीं कह सकते हम, बट ऑल चेयर ऑल फर्नीचर, क्लियर। तो ऑल के केस में लेफ्ट और राइट क्लियर हो या ना हो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, बट ऑल के केस में क्या होता है कि या तो यहां से हो पर ऑल होगा, दैट मींस ऑल फ्रूट्स आर एप्पल वी कैन नॉट से, बट ऑल एप्पल आर फ्रूट ये राइट स्टेटमेंट है, राइट। ऐसे अगर सम की बात करें, जैसे मान लीजिए इंजीनियर है, क्या है इंजीनियर और फाउंडर, क्लियर है, कोई इंजीनियर है कोई फाउंडर है, अब कोई टीचर है तो वो मैन है, गौरव सर टीचर है और कैलाश सर भी टीचर है, फाउंडर है कोई सर डॉक्टर है तो वो वुमेन है मान लो, ठीक है। ये हो गया सम का केस, मतलब कुछ का केस, हिंदी में लिखते थे कुछ, बहुत अच्छा लगता है लोगों जो हिंदी में लिखा जाता है। देखिए ऑल इंजीनियर सर फाउंडर इट मे पॉसिबिलिटी, या ऑल फाउंडर सर इंजीनियर इट मे बी, सभी फाउंडर्स जो जो कंपनी को फाउंड करते हैं वो इंजीनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऑल इंजीनियर सभी इंजीनियर फाउंडर हो भी सकते हैं, सम इंजीनियर आर फाउंडर, सॉरी ऑल नहीं, सम इंजीनियर आर फाउंडर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सम टीचर आर मैन, कुछ टीचर आदमी हो सकते हैं कुछ टीचर मैन भी हो सकते हैं, और ऑल मैन सम मैन आर टीचर ये भी सही है। ऑल डॉक्टर्स आर वुमेन या ऑल वुमेन आर डॉक्टर, जो सम का केस होता है वो लेफ्ट टू राइट भी सम का फॉलो होता है और राइट टू लेफ्ट भी सम का केस फॉलो होता है, राइट। तो सम का केस दोनों तरफ होता है, ऑल का केस केवल एक साइड से होता है, राइट। अब सम और सम का जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, इस तरह सम का डायग्राम बनता है, क्लियर। सम का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, क्लियर है बात यहां तक। ये ऑल का डायग्राम फाइंड आउट किया हमने, ये सम का। अब बात करते हैं सम नॉट की। देखिए सम नॉट को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, वेन डायग्राम का यूज सम नॉट में बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका यूज करते हैं हम केवल सिलोगिज्म में। जब आपको सिलोगिज्म पढ़ाएंगे तो सम नॉट का यूज करेंगे, अभी चलते हैं दो मिनट सिलोगिज्म करते हैं, सम नॉट को पढ़ेंगे, राइट। सिलोगिज्म को सम नॉट में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम नो के केस को देखेंगे, नो के, नो मतलब कोई नहीं, क्या करते हैं कोई नहीं, अभी चलते सर मैं इस पे, ठीक है। तो कोई नहीं का केस देखेंगे, नो मतलब कोई नहीं, कोई नहीं का केस को समझेंगे, क्लियर है। अब देखिए कोई नहीं, नो मतलब क्या, कोई रिलेशन ना हो, चेयर टेबल, नो चेयर ही चेयर और टेबल का कोई रिश्ता ही नहीं है यार, मैन वुमेन कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता मतलब कि जेंडर चेंज है, वो मेल है वो फीमेल है, ठीक है, ऐसा कुछ भी, कुछ भी ले सकते हैं। तो नो का जो डायग्राम होता है हमें कोई भी रिलेशन समझ में नहीं आता है, एक दूसरे से आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन केसेस की बात करी आपने, पहला केस हमारा केस ऑल का केस था, जिसमें हमने देखा ऑल में दो डायग्राम स्थित, डायग्राम अंदर से बाहर आता जाता है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, क्लियर है बात। यहाँ पे क्या होता है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट हो पर ऑल फ्रूट्स आर, जैसे मतलब कि मैंने कहा ऑल ए इज बी करेक्ट है पर ऑल बी इज बी इज ए करेक्ट हो ये बिल्कुल नहीं कह सकते। बस सम के केस में क्या है, जैसे लिखा हुआ है सम
इज बी, तो सम ए इज बी ट्रू है तो सम बी इज ए भी ट्रू होगा। क्लियर है बात यहां तक? ऐसी सेम पैटर्न में और ए इज बी अगर करेक्ट है तो और बी इज ए करेक्ट हो कि नहीं हो सकता। क्लियर है? नो के केस में तो कुछ होता ही नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। ये हमने तीन डायग्राम्स को देखे और सम नॉर्म का डायग्राम को पता है कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? वो डायग्राम की पॉसिबिलिटी हम बात करेंगे फिर लॉग एग्जाम में, इस सम नॉर्म को डाल देते हैं। तो ये हमने देखा ऑल सम और नो के केस को समझ लिया। अब आइए कुछ पॉसिबल डायग्राम है जो हमें ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये फिक्स ऑप्शन है जो हमेशा रोटेट करते हैं एग्जाम के पैटर्न में, राइट? तो टोटल 10 ऐसे ऑप्शन है जो एग्जाम के पैटर्न में रोटेट करेंगे। उन 10 ऑप्शंस को हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि उससे बाहर कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो 10 ऑप्शन को देखना है, क्या है वो 10 ऑप्शन, आइए देखते हैं। दस ऑप्शन पूरे क्या होते हैं देखिए, पहले हमने क्या समझा था, ऑल सम और नो, इन्हीं 10 केस में पूरे ऑप्शन बनने हैं 10। पहला ऑप्शन यहां बनाते हैं, तीनों और रिलेशन हो, कोई रिलेशन लिख लेते हैं यहां पर, कोई भी एक रिलेशन बताइए, मैं लिख देता हूं मैन टीचर गौरव सर अपने ह्यूमन और डॉक्टर अपने क्लास सर। क्लियर है? टीचर मैन और डॉक्टर, ये रिलेशन आया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, अभी इसका हम आंसर चेक करेंगे क्या होगा। पहले पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं, राइट? ये ऑल का पॉसिबल डायग्राम है, ये सम का पॉसिबल डायग्राम है। अब इसमें समझते हैं डायग्राम का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या ऑल है, ये मान लो ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, सी, ए और बी का रिलेशन क्या है, ऑल का रिलेशन है। यहाँ ऑल का मतलब ए लिखेंगे, सम का मतलब एस लिखूंगा, एन का मतलब नो का मतलब एन लिखूंगा, राइट? यहाँ ए ऑल ए इज बी, बी इज सी और सी का ए से रिलेशन है ए का, मतलब तीन बार ऑल का रिलेशन यहाँ पे लग रहा है, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी और ऑल सी इज ए, राइट? ऐसे ए बी सी की बात यहां करें तो क्या यहाँ पे ए और बी क्या है, समय, बी और सी का क्या केस है, समय, और सी और ए क्या है, नो का केस है। ये क्या होता है, नो, सी अलग है ए अलग है, यहाँ पे दो समय और एक नो है। क्लियर है बात यहां तक? तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये लिखा हो तीसरा ऑप्शन नो, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, ये नो हो गया। क्लियर है बात यहां तक? दो नो है, एक और ऑप्शन देखते हैं, मतलब टोटल 10 ऑप्शन देख रहे हैं, कुछ भी बना लीजिए आप। क्लियर है? यानी तो ए, यानी तो बी, यानी तो सी, ए और बी में क्या रिलेशन है, ऑल का है, ए और सी में रिलेशन क्या है, नो का है, बी और सी में क्या है, नो का रिलेशन है। दिख रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? ये हो गया चौथा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन की बात करते हैं, पांचवा ऑप्शन ये है, मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है, और ए इज बी, यहां पे एक और लग रहा है, किधर है, सम बी इज सी, सम लग रहा है, और नो ए इज सी, यहां पे नो लग रहा है। किधर है बात यहां से, कितने ऑप्शन हो गए, तीन दो पांच ऑप्शन देखते हैं। देखिए कितने ऑप्शन दिखा रहा हूं, इसके बाद बताएंगे इसका ऑप्शन क्या इस्तेमाल है। किधर है, पांच हो गए। अब बात करते हैं छह की, एक ऑप्शन ये ए बी सी, ऑल ए इज बी, एक ऑल का रिलेशन बना हुआ है, ऑल सम ए इज सी, ये सम का केस बना हुआ है, यहां पे सम हो गया। अब यहां पर क्या बना हुआ है, बी भी जो बी के साथ भी सम का केस बना हुआ है। देखिए ऑल ए इज बी, एक ए और सी का सम बना हुआ है, और बी और सी, ये बी है ना, ये बी है, और सी का सम केस बना हुआ, ये सम हो गया, एक ऑल है और दो सम हो गया, राइट? छह पॉसिबल डायग्राम्स हमने देख लिए। नाउ आप सातवां पॉसिबल डायग्राम देख लेते हैं, सातवां पॉसिबल डायग्राम क्या होगा ये बताना आपको, राइट? बताइए सातवां पॉसिबल डायग्राम क्या बन सकता है, बताइए सातवां पॉसिबल डायग्राम क्या होगा, आपने समझिए क्या होगा। देखिए एक बार तीनों ऑल हो गए, दो सम हो गए, एक नो हो गया, और दो नो हो गए, एक ऑल हो गया, एक सम हो गया, एक नो हो गया, एक ऑल दो सम हो गया, और एक ऑल दो नो हो गया। छह पॉसिबल डायग्राम देखिए, चार पॉसिबल डायग्राम और बनने हैं। क्लियर है? इन चार पॉसिबल डायग्राम्स को वो कौन से होंगे जो इन ऑप्शंस के अंदर आएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन क्या होता है 10 ऑप्शन को घुमाता है, ये तीन और ये तीन छह, चार पॉसिबल डायग्राम्स और बनने हैं,
वो आपको इसी में से अरेंजमेंट देकर बनने हैं। कोई कमेंट कर सकता है कि ASS होगा या ASN होगा या NN होगा या SSN होगा, ऐसे कमेंट कर दे कि सर ANC होगा ANS होगा, इस तरह से कोई कमेंट करे। तो देखिए इन्हीं से घुमा के बनाना है आपको, किससे और सम और नो, इन तीन से 10 डायग्राम बनने हैं, क्लियर है? तो बनाइए, 6 मैंने बना दिए, 4 सिंपल से दिखाई दे रहे हैं, आप देख के बता सकते हो कि कौन सा बनेगा, क्लियर है इधर बात? बताइए फटाफट कमेंट करिए और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो बताइए डायग्राम्स को, ठीक है? तो चलिए बढ़ते आगे, क्या देखा हमने? 7-6 डायग्राम देख लिए, पहला ऑल सम, दो सम इग्नो, एक और डायग्राम देखते हैं ऐसे ही बना हुआ है, क्लियर है? एक डायग्राम ये बना हुआ है, ये मान लेते ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें क्या हो गया, ये ए और बी का क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। सी का रिलेशन ए से क्या है? ऑल का रिलेशन है। सी का रिलेशन बी से क्या है? ऑल का रिलेशन है, क्लियर है? राइट, एक नो हो गया, दो ऑल हो गए, कितने हो गए? 3, 3, 6 और 1, 7। आठवां ऑप्शन, कुछ स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं और स्टूडेंट को सही जवाब देने की जरूरत है, 7 हो गए, 3 और बताने आपको, ठीक है? आज बहुत हंसी आ रही है, मैं एक्चुअली आज बहुत खुश हूँ, बिकॉज मैं बहुत दिन बाद गौरव सर से और कैलाश सर से मिला हूँ, तो काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। जैसे बहुत दिन क्लास भी स्टार्ट हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत सीरियस हो चुके हैं और IBJEE को सीरियसली बैच स्टार्ट करेंगे, और वेन डायग्राम आज देखिए सारे ऑप्शन को देख लेंगे, कल इसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे, देन स्टार्ट करेंगे सिलोगिज्म एंड ब्लड रिलेशन बात करेंगे, फिर एजम्पशन क्वेश्चन खत्म करने के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्रू सॉल्व करेंगे, राइट? तो ये हो गया आठवां रिलेशन, इसके अंदर एक हमने देखा ऑल का रिलेशन और दो सम के रिलेशन को हमने समझा, राइट? अब बात करते हैं एक और रिलेशन है, यहाँ पे एक तार फंस रहा है, अभी समझिए एक ये रिलेशन बना हुआ है, एक ये बना हुआ है और एक इससे दूर हो, क्लियर है? एक इससे दूर हो, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी में कौन सा केस है? सम का केस है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ए और बी में सम का केस है, बी और सी में क्या है? नो है। ए और सी में क्या है? नो है। कितने हो गए? 8 डायग्राम हो गए, अभी 2 डायग्राम और बच रहे हैं। कोई है एनीवन जो ये कमेंट करेंगे सर 2 ऑप्शन ये 2 और आंसर ये होंगे? 3, 3, 6 और 2, 8 हो गए, क्लियर है? तो आंसर आपको और बताने की सर 2 डायग्राम और कौन से पॉसिबल बन सकते हैं। देखिए मैं किससे सारे डायग्राम जो बना रहा हूँ एस एन और ए से बना रहा हूँ, ऑल सम एंड नो से बना रहा हूँ, राइट? तो अब आप बताइए कोई भी अगर सर्किट बना के चेक कर लिए सर ये वाला बचा हुआ है अभी, ये वाला हो गया, ऐसा कुछ देखिए कोशिश करिए बनाने की, क्योंकि आप जितना दिमाग का यूज करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर समझिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लग रही पूरी, क्लियर बात यहाँ तक? अभी एक डायग्राम आपने ये किसी ने कमेंट किया है, मैं खुद समझ रहा हूँ ये, क्लियर है? अब एक डायग्राम ये है, मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है, देखिए रिपीट तो नहीं कर रहा कोई, हाँ ये रिपीट नहीं कर रहा है, राइट? ए और बी में क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन है। बी और सी में ऑल का रिलेशन है, और ए और सी में थ्री ऑल का रिलेशन है, क्या है? ए और बी में सम का रिलेशन है और सी और बी में ऑल का रिलेशन है, क्योंकि सी पूरा है और ए उसके अंदर है, ये सी पूरा है, ए उसके अंदर है तो ऑल का रिलेशन हुआ, फिर बी उसके अंदर है ऑल का रिलेशन हुआ, क्लियर है? तो ये दोनों एक दूसरे के सम है, क्लियर हो गए? 9 रिलेशन हो गए, एक बच रहा है, 10वां आप लोग बताइए, कमेंट करिए कि 10वां ऑप्शन क्या होगा, राइट? आइए पहले रिवाइज करते हैं, 10वां ऑप्शन को देखते हैं, 10वां ऑप्शन क्लियर करते हैं, राइट? तो सबसे पहले ना ऑल का रिलेशन है, तीनों ऑल थे, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल सी इज ए, क्या था यहां पर? ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल सी इज ए, क्लियर है? और के केस में अगर ए इज बी है तो B is A और नहीं होता है, क्योंकि मैंने लास्ट एग्जांपल आपको जब दिया था उसमें बताया था कि लास्ट एग्जांपल जब दिया था उसमें बताया था ना कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, बट ऑल फ्रूट्स आर एप्पल ये नहीं हो सकता, क्योंकि सभी फल, क्योंकि केला आम ये सारे फल नहीं हो सकते ना, तो ऑल A is B के केस में नहीं हो सकता। इन द केस ऑफ सम, सम के केस में क्या बताया था मैंने आपको, कि बताया था टीचर मैन का रिलेशन बताया था आपको, ब्रोस बताया था, सम फर्नीचर वाला, तो सम के केस में इधर से भी लेफ्ट से भी जाएगा, सम एज भी, तो सम बीज ए भी
एग्जीक्यूट करता है। नो के केस में तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है। ये आपको टोटल 9 ऑप्शन है, एक ऑप्शन रिमेनिंग है, जब आप कमेंट करेंगे तो 9 लास्ट ऑप्शन को मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये 9 ऑप्शन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, राइट। इससे बाहर कोई भी ऑप्शन आता नहीं है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को ये देखना है। देखिए लिखा हुआ टीचर मैन डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है, टीचर मैन डॉक्टर। इन ऑप्शन को बताने का क्यों पर्पस क्या था बताने का, देखिए टीचर मैन और डॉक्टर लिखा हुआ है। देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना होगा और इन रिलेशन को कीप इन माइंड रखना होगा, ठीक है। देखिए इसमें आंसर क्या क्या हो सकता है, ये देखिए मान लीजिए ऑप्शन लिखा हुआ है कुछ भी, एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन ये लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन ये लिखा हुआ है, सम का रिलेशन लिखा हुआ है, सही से ये तीसरा रिलेशन लिखा हुआ है, चौथा रिलेशन लिखा हुआ है, और एक रिलेशन ये लिखा हुआ है। चार ऑप्शन में है यहाँ पे। आप आपको जवाब दे रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, चार ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए थे 9 डायग्राम्स में डिस्कस किया था, क्लियर है। 10वां डायग्राम किसी ने कॉमेंट किया है बताइए, अभी तक 10 डायग्राम हमने देख लिए थे, 9 देखिए, 3 नो देख लिए थे, सॉरी 3 ए देखे थे, ऑल 3 नो देखे थे और ऐसे ए एन एस एस देखा था, लेकिन तीनों सम का केस रिमेनिंग छोड़ा था मैंने, जिसमें अभी मैंने ऑप्शन दिया था फिर हटा दिया था, एक ये, दो ये, तीसरा ये, ये तीनों सम है ए बी सी। अब आप लिख सकते हैं ऑल सम ए इज बी, सम बी इज सी और सम सी इज ए। ये 10वां केस था जो मैंने आपको ड्रॉप किया हुआ था, क्लियर बन गया था। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसका आंसर क्या होगा, इसमें चार ऑप्शन दिए, 1 2 3 4, एक ऑप्शन और दे देता हूं, क्या दे देता हूं, एक ऑप्शन और दे, थोड़ा कंफ्यूज करता हूं आप लोगों को, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यार लिखा हुआ टीचर, लिखा हुआ मैन और लिखा हुआ डॉक्टर। देखिए सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक तो ऑप्शन देख के, दूसरा इनको क्वेश्चन को देखकर, एक ऑप्शन को देखकर, एक क्वेश्चन को देखकर। पहले ऑप्शन दिखाता हूँ, टीचर और मैन का रिलेशन क्या होगा, सारे टीचर मैन नहीं हो सकते, क्लियर है। यहाँ रिलेशन सम का रिलेशन आ रहा है, किसका रिलेशन आ रहा है, सम का रिलेशन आ रहा है, क्लियर है। अब जहां जहां सम होगा वही मेरा आंसर होगा, दैट मीन्स ये आंसर तो कभी हो नहीं सकता, क्लियर है बात, क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, हो सकता है ये आंसर, हो सकता है बताइए, हो सकता है इसमें ऑप्शन में भी आंसर ना हो, वो आंसर हम निकाल लेंगे, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, ये इलिमिनेशन का प्रोसेस हुआ, क्लियर है। ऑल टीचर्स, सॉरी सम टीचर्स आर मैन और सम मैन आर टीचर, क्लियर है बात, क्लियर है यहां तक। ये सम का आंसर हमारा क्या होगा, सम का आंसर होगा, तो यहां पे सम का केस नहीं है, यहां पे सम का केस नहीं है, और क्या केस है, ये दोनों ऑप्शन हट गए, तो इनको हम रास्ते से हटा देते हैं, क्लियर है। ये ऑप्शन इलिमिनेशन तरीका था, आपको दो में रिलेशन बनाया आपने, सम का रिलेशन बनाया, क्लियर है। अब देखिए एक ऑप्शन ये बन रहा है, एक ऑप्शन ये बन रहा है और एक ऑप्शन ये बन रहा है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक भी ऑप्शन अपने आप ही मिल जाएगा आपको, क्लियर है। अब देखिए एक रिलेशन ये बन सकता है, देखिए इसका आंसर बनाने की कोशिश की जाए तो टीचर और मैन, ये टीचर है, सम टीचर आर मैन और सम मैन आर टीचर, क्लियर है बात यहां तक। अब बोले डॉक्टर थे, तो कुछ मैन डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर मैन भी हो सकते हैं, क्लियर यहां पर। लेकिन टीचर और डॉक्टर का कोई रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं, जैसे आपको बताएगा कि मेल और फीमेल का कोई रिलेशन नहीं था, मेल और फीमेल का, क्योंकि ये इसका जेंडर जो है वो मेल है, इसका फीमेल है, इसने कहा मैन और वुमेन। आपको तो कहेंगे ना कोई सा डॉक्टर जो होते हैं पढ़ाते भी है, प्रोफेशन होते हैं, देखिए वो हाइपोथेटिकल केस है पढ़ाते हैं, लेकिन जो एक जो हमारा एग्जामिनेशन डेटा उठाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कि ये क्वेश्चन क्या होगा, इनका रिलेशन नहीं होता। आप बोलिए मैन और वुमेन लिखा हुआ है, सर ये तो फादर मेरे मैन है, मदर मेरी वुमेन है, तो ये तो हमारे मम्मी पापा रिलेशन होना चाहिए था, नहीं हो सकता, ये जेंडर चेंज है, दैट्स व्हाई ये क्योंकि नो का केस बनता है यहाँ पर। तो ऐसे टीचर और डॉक्टर के केस में क्या है, नो का केस बन रहा है, दैट्स व्हाई, क्लियर बात यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये देखिए ऑप्शन में था ये आंसर, इसलिए ये करेक्ट हुआ, क्लियर है बात समझ आई। थोड़ा भी क्वेश्चन और लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा चीजों को, अभी एक बेसिक क्वेश्चन उठाया था इसलिए आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता दिया,
10 ऑप्शन का क्या यूज होगा इसके बारे में बात करते हैं, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, आप केवल दो उठाएंगे, क्या टीचर और मैन को उठाया, आपने देखा यहाँ पे सम का रिलेशन बन रहा था, क्लियर है, सम का, और एक और ये सम का बन रहा था, जहां पर दो सम आ रहे हो वही हमारा आंसर होगा, एक सम ये था एक सम ये था, क्लियर है। आप दो ऐसे इंटर रिलेशन बना के ऑप्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए एक ऑप्शन ये है, ये लिखा हुआ है, एक और पूछा देते हैं, लिखा हुआ है कैट पैट और डॉग, क्या लिखो, कैट पैट डॉग, क्लियर है। अब इसका ऑप्शन देखते क्या होगा, एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, भाई नन ऑफ दिस, दिखाई दे रहा ऑप्शन, ये चार ऑप्शन है, कैट पैट डैग डॉग, कैट मतलब यहां लिखा बिल्ली, ये लिखा पालतू, और ये लिखा कुत्ता, ठीक है, डॉग माना था कुत्ता, राइट, कैट पैट डॉग। अब हमें पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कैट और पैट का रिलेशन क्या है, कुछ बिल्लियां पालतू भी होती है कुछ नहीं होती है, सम का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, और सम डॉग का क्या है, सम का रिलेशन बन रहा है। अब जहां पे दो सम बनेगा वो हमारा आंसर होगा, पहला ये आंसर बन सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आंसर क्या होगा, ये हो गया, एक बार में हो गया, दो सम बन रहे थे। अब ये कैट और डॉग में क्या रिलेशन है, यहाँ पे नो का रिलेशन है, क्योंकि कैट और डॉग का अपन कोई रिलेशन तो नहीं, आप बोलो वो उसी फैमिली के होते हैं, ये सारे रिलेशन आपको ढूंढना है, कैट और डॉग का कोई रिलेशन है, ये कैट है, इसकी फिल करेंगे वो कैट पैट और डॉग, क्लियर है, ये हमारा आंसर हुआ। तो आज की क्लास में इतनी बात करते हैं, अब हम लोग रेगुलर आ गए हैं, आपको सारी क्लासेस लेकर आएंगे, ये था इसका बेसिक अप्रोच, 10 ऑप्शन को देखे हमने, किस तरह से ऑप्शन बनते हैं, सारे ऑप्शन की फिर माइंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ऑप्शन डिस्कस करेंगे, वो ऑप्शन क्यों लिखवाए गए, लिखवाने का पर्पस क्या था, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या, आप दो वर्ड्स को उठाइए, उनके बीच के रिलेशन को देखिए, और ऑप्शन हटाइए, आंसर पाइए, सिंपल तरीका, आपके 99.99% इसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट कमेंट पे गुस्सा ना दिखाए ना, कोई गुस्सा दिखाना फिर हम लोग गुस्सा हो जाए तो आप लोग डीमोटिवेट कर देंगे, गुस्सा जाएगा, आप अप्रिशिएट करिए हमारे एफर्ट्स को, मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक से दो दिन के बाद, आज कल, कल से ही, आज तारीख कितनी है, 29 30 मार्च से आपको चार की चार क्लासेस लाइव दिखाई देंगी, गारंटी है, मतलब कल से, ठीक है। आज आपको मैथ्स, आज मैथ नहीं आ पाएगी, आज सर 10 में कल पहुंचेंगे, राइट, तो आज होगी आपको केमिस्ट्री की, जनरल अवेयरनेस, देन आई केमिस्ट्री रीजनिंग की। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, फिर से बोल रहा हूँ, जिसको अनअकैडमी को लाइव पढ़ना है, लाइव क्लास अटेंड करनी है, वो रेफरल कोड यूज करें, रजत .speedup, उसको इतना ज्यादा डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट वो तुरंत ही मिल जाएगा, बाकी मैं अपनी तरफ से दूंगा ऐसा डिस्काउंट जो आपने आज तक अभी देखा, राइट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, बाय बाय।